दिल्ली एनसीआर में दिन के समय तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली हुई है। तेज धूप के कारण लोगों को अभी से यानी फरवरी महीने से ही गर्मी का ऐसा एहसास हो रहा है कि थोड़ी देर धूप में चलने से पसीने बहने लगे हैं। आलम यह है कि दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली के अलावा अन्य महानगरों की बात करें तो आज सुबह मुंबई में तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं आर्द्रता 80% रही। चेन्नई में पारा 22.4 डिग्री सेल्सियस पर रहा तो आर्द्रता 51% रही। कोलकाता में तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा तो आर्द्रता 79% रही। इसके अलावा पुणे और बेंगलुरु में तापमान कमर्स 15.4 और 20 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में सुबह में हल्के कोहरे का अनुमान जताया गया है, वहीं दूसरी ओर देश के दूसरे हिस्से में बारिश के आसार बने हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को उत्तरी पाकिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके चलते भारत के कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव दिखाई देगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार को पहाड़ी क्षेत्रों पर भी पड़ने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन गरज के साथ बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। इसी बीच उत्तर पूर्वी भारत के सिक्किम राज्य में शनिवार और रविवार को गरज के साथ छिटपुट बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार को केरल के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश देखने को मिली और आज भी यहां बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं अगर झारखंड के मौसम की बात करें तो आज शनिवार की सुबह राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सामान्य रूप से मौसम साफ है। सुबह से ही तेज धूप खिली हुई है। वर्तमान में राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 4.7 डिग्री ज्यादा है। वहीं सभी जिलों में अब धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।